In idea, today we'll be focusing on what reading is, what is the reading process, and how we can engage in effective reading. आपने अगर एक effective reader बनना है तो फिर आप किस किस्म की practices करेंगे तो आप effective reader होंगे, otherwise आप एक passive या inactive या ineffective reader हो जाएंगे. ठीक है, तो let's start from the very first point, that what is reading. Can anybody tell me what is reading? Reading क्या होती है बेटा? What is reading process? Yes, we go through a text, written text, ठीक है, और then we speak it out, or we can recognize its phonic transcription. हम एक लफ्ज़ देखते हैं, उस लफ्ज़ को हम आवाज़ में तब्दील कर सकते हैं. For example, what is written here? The Now this is a graphical representation of a word comprised over number of sounds. ठीक है, being a good reader or being a reader, what you have to do, you have to connect the word or the graphic representation or the written symbol with the sound it produces. ठीक है, आपको पता हो ये लफ्ज़ कैसे बोलते हैं? द. इस लफ्ज़ को कैसे बोलते हैं? बुक. इस लफ्ज़ को कहते हैं इज. इसको हम लाइन कहेंगे. ये हमने क्या किया, हमने रिटन सिंबल्स को अटैच किया किससे? उनके फोन्स से. फोन्स मतलब उनके साउंड से, आवाज़ों से. ठीक है, नाउ इज रीडिंग ओनली रिलेटेड विद कन्वर्टिंग रिलेटेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिटन सिंबल्स टू द साउंड? सिर्फ ऐसा ही है कि हम कुछ देख के पढ़ सकें तो द रीडिंग इज कम्प्लीट? नो. वट एल्स वी नीड? वी कैन अंडरस्टैंड दैट. फिर हम दूसरे लेवल पर आते हैं कि आउट ऑफ दिस कन्वर्जन वी कनेक्टेड टू द मीनिंग. फिर हम उसको किससे कनेक्ट करते हैं? मीनिंग से. एंड वी ट्राई टू गेट सर्टेन इन्फॉर्मेशन. हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं. ये आप कह लें कि एक बहुत बेसिक प्रोसेस है किसा? रीडिंग का. बट रीडिंग इन्वॉल्व मच मोर. एक अफेक्टिव रीडर जो होता है, ये अफेक्टिव रीडिंग इन्वॉल्व नंबर ऑफ अदर थिंग्स टू. समझने के बाद क्या क्या कर सकते हैं हम? यस, एनी वन? अच्छा देखें, जब हम कुरान पाक रीड करते हैं तो हम सिर्फ बेसिक लेवल पे होते हैं, ऐसा ही है. हम लफ्ज़ों को सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम प्रोनाउंस कर सकते हैं. वी आर नॉट ऑन टू द सेकेंड लेवल. हम उसके दूसरे लेवल पर अभी तक नहीं पहुँचे. तो दैट इज़ नॉट अफेक्टिव रीडिंग. वो अफेक्टिव रीडिंग नहीं. Effective reading involves number of other things. The reading process, listen carefully. I am reading a paragraph out of here. What is active reading? Active reading kya hai? Active readings, readers are involved with what they are reading. Whatever the text is there which you are reading, you are involved in it. ठीक है, एट द कॉग्निटिव लेवल. कॉग्निटिव लेवल पर आप उससे इन्वॉल्व होते हैं. आप ना सिर्फ उसको समझते हैं बल्कि यू कैन डिड्यूस इन्फेरेंसेज आउट ऑफ इट, यू कैन गेट इन्फो आउट ऑफ इट, यू कैन रिटेन दैट इन्फो इन योर मेमोरी, एंड आउट ऑफ दैट रिटेन्ड मेमोरी यू कैन क्रिएट न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज, एंड यू कैन रिलेट नंबर ऑफ नॉलेजेस और नंबर ऑफ यू कैन से पैचेज ऑफ नॉलेज टू क्रिएट अ हारमोनियस होल. आपने एक चीज़ यहाँ पढ़ी, आपने एक चीज़ वहाँ पढ़ी, आपने एक चीज़ वहाँ पढ़ी, अब आपके ब्रेन में उसका डेटा है. अगर आपने एक्टिवली उसको रीड किया तो जब आप कोई नई चीज़ पढ़ेंगे तो यू विल रिटेन टू योर दैट बल्क ऑफ नॉलेज, दैट बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन विच हैड ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर माइंड, विच जो आपने कहाँ से लिया था, जो आपने एक्टिव रीडिंग से ही गेन किया था. ठीक है, आउट ऑफ दैट, आफ्टर दैट कम्स द एनालिसिस. फिर आप क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, कंट्रास्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं. देन यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, देन यू कैन मॉडिफाई. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच रिलेटेड टू इफेक्टिव रीडिंग. ये इफेक्टिव रीडिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है. अगर मैं देखूँ कुछ क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव रीडर है ना, पैसिव रीडर. एक पैसिव रीडर है और एक एक्टिव रीडर है. तो एक्टिव रीडर विल नाउ डू यू थिंक दैट द रीडर ऑल द टेक्स्ट इज रेड इन अ सेम वे? जितना भी टेक्स्ट है उसको सेम तरीके से पढ़ा जा सकता है? नो? यस और नो? नो.
फॉर एग्जाम्पल बताएं, सूरह यासीन पढ़नी है सुबह, आपने कितनी देर लगाते हैं पढ़ने में? क्योंकि कौन सी रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग कौन सी करते हैं आप? पैसिव रीडिंग, जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग, जस्ट कन्वर्जिंग द रिटन टेक्स्ट और द रिटन वर्ड्स टू द रिटन ग्राफिक्स टू द फोनिक ट्रांसक्रिप्ट. आप उसको सिर्फ फोन के साथ जोड़ते हैं एंड यू कीप ऑन रीडिंग इन वेरी मच फ्लुएंसी. अब बहुत फ्लुएंसी में उसको पढ़ते चले जाते हैं, लिहाजा आप उसके एनालिसिस पर जंप नहीं करते. वाई इट इज सो? क्यों? बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रीडिंग इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट्स बेसिकली लेट्स से गेनिंग ऑफ सम सवाब. तो वो एक लफ्ज पे तो मिल रही है ना, एक दस नेकियाँ, तो बहुत सारी नेकियाँ जमा हो जाती है हमारे अकाउंट में, तो लिहाजा हम आगे तो जाते ही नहीं है. तो बेसिकली अच्छा, अब इसी पैटर्न पे देखते हैं. इफ़ यू आर रीडिंग अ नॉवल, फिर कैसे पढ़ेंगे उसे? इतना भी नहीं समझते, ठीक है? कहीं एक कॉजी से जगह पे बैठ जाएंगे, थोड़ी सी लाइट आ रही हो, थोड़ा बंदा नींद जो है वो लेटा हुआ हो, बहुत कॉजी पोजीशन में, और हम ज़्यादा बॉदर नहीं करते. वी कीप ऑन रीडिंग एंड वी डो नॉट स्टिक टू एवरी वर्ड. हम ये नहीं देखते हमें इस लफ्ज के मायने नहीं आ रहे तो हम खोले रुकें, एंड वी शुड गो टू डिक्शनरी एंड देन वी शुड गेट द मीनिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, इसी तरह देर आर नंबर ऑफ पैसेजेस विच वी डो नॉट कंसिडर वर्थ रीडिंग, सो वी स्किप दैम. ऐसा ही है. क्यों? वी फोकस ऑन प्लेजर. यस, हम चूंकि प्लेजर रीडिंग कर रहे हैं तो हम वही चंक्स पढ़ रहे हैं जो हमें प्लेजर दे रहे हैं. जैसे मेरा जैसा रीडर है तो वो बस है ना, हीरो हीरोइन वाले सीन जो है वो सारे पढ़ लेता है, मेन स्टोरी भी पता लग जाती है उसमें, और आपको प्लेजर जो इंस्टिंक्ट है वो भी सेटिस्फाई हो जाते है. ऐसा करते हैं ना हम लोग, करते हैं या नहीं करते? सिर्फ मैं ही हूँ ऐसी फजूल रीडर? सभी ऐसा करते हैं. ओके, सुनकर अच्छा लगा, ठीक है. बट नाउ आप शाम में बैठे हैं अपनी स्टडी टेबल पे, यू आर प्रिपेयरिंग एन असाइनमेंट, हाउ वुड यू रीड? एक एक वर्ड के मीनिंग निकालेंगे, ये लाइन नहीं समझ में आ रही दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, छह मर जगह से मटेरियल देखेंगे. यू वुड गो फॉर इंटेंसिव रीडिंग. व्हाई? बिकॉज द ऑब्जेक्टिव द पर्पज बिहाइंड रीडिंग हैज बीन चेंज. सो एन एक्टिव रीडर वुड अक्वायर अ स्ट्रैटेजी विच वुड फिट टू His objective. तो एक active reader क्या होगा, वो वही strategy acquire करेगा जो कि उसकी जो objective है उसके लिए, या जो उसका goal है पढ़ने का उसके लिए fit है. समझ आई है ये बात? ठीक है, तो पहला point यही था, active reading, active reader would tailor their reading strategies to suit each assignment. उसकी जैसी assignment है, उसका जैसा task है, वो उसी तरह उसको अपनी स्ट्रैटेजीज को मोल्ड करेगा, मॉडिफाई करेगा. नेक्स्ट, एनालाइज द पर्पस ऑफ रीडिंग असाइनमेंट. सबसे पहले उसने क्या एनालाइज करना है कि मैं कोई भी एक टेक्स्ट जो है, कोई भी असाइनमेंट जो है वो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ. वंस ही वुड सेट द ऑब्जेक्टिव, ही वुड बी एबल टू अडॉप्ट द राइट स्ट्रैटेजी. एक बार उसे पता चल गई कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मेरा ये मकसद है टेक्स्ट पढ़ने का, तो फिर वो सही स्ट्रैटेजी जो है वो उठा सकता है, उसमें से चूज कर सकता है. नेक्स्ट देखें, एडजस्ट देयर रीडिंग स्पीड टू सूट देयर पर्पस. रीडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव. समझ आ रही है? जब हम सुबह वो पढ़ते हैं सूरह यासीन तो फिर क्या स्पीड होती है हमारी? बोल्ट वाली स्पीड होती है. ऐसा ही है, समझना तो है नहीं क्योंकि, और फिर ज्यादा से ज्यादा वो सवाब गेन हो रहे, एक वर्ड में दस ने किया, कैलकुलेशन चल रही होती है अंदर अनकॉन्शियसली, कितनी जमा हो गई, बहुत सारी नहीं किया तो. या फिर इवन आप देखें, हमारे यहाँ एक लतीफ़ा मशहूर है, बिस्मिल्लाह वाला कुरान पाक, सुना है कभी? वो जिन लोगों को बुलाते हैं ना आप पढ़ने के लिए, उनमें अक्सर छोटे बच्चे होते हैं, तो वो जल्दी से बहुत सारे सिपारे पढ़ सके तो वो बस बिस्मिल्लाह 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 पढ़ते जाते हैं एक एक लाइन. तो स्पीड पर, लेकिन जो चीज़ अगेन अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव, आपका स्पीड क्या करता है, मैटर करता है. इसी तरह जब आप नॉवल कर रहे होंगे तो आपकी स्पीड उतनी हाई नहीं होगी, लेकिन उतनी स्लो भी नहीं होगी जितना आप एक असाइनमेंट पे काम करते वक्त आपकी स्पीड होगी. बेटा बैक तक मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आज आपके ना फेशियल एक्सप्रेशन बेसिकली देख नहीं पा रही हूँ, मेरे पास ग्लासेस नहीं,
ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बता दिया जाएगा, अदरवाइज आई कुड हैव डेसिफर्ड दैट द पीपल्स फेसेस आर गोइंग ब्लैंक। तो मैं वहीं रुक जाती हूँ और थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट सेकेंड, जी बेटा अच्छी लग रही हूँ, पर आप नहीं लग रहे मुझे अच्छे क्योंकि नज़र ही नहीं आ रहे, तो मैं बेशक अच्छी ना लगूँ, आप लगने चाहिए मुझे। स्किम द हेडिंग्स और इंटर क्वेश्चन आइडियाज इन द असाइनमेंट, और फिर नेक्स्ट लेवल अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द आइडियाज इन योर असाइनमेंट। जब आप एक्टिवली किसी भी रीडिंग के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो जो भी टेक्स्ट जो भी इन्फो आपको आ रहा होता है यू स्टार्ट रिलेटिंग इट टू योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस प्रीवियस इन्फॉर्मेशन एंड यू स्टार्ट रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग और मॉडिफाइंग और क्रिटिसाइजिंग दैट पर्टिकुलर आइडियाज। नेक्स्ट देखिए, स्किम द हेडिंग्स और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन टू फाइंड आउट व्हाट एन असाइनमेंट इज अबाउट बिफोर बिगनिंग टू रीड। नाउ यू डू नॉट स्टार्ट रीडिंग लाइक दैट, आपने कोई भी बुक उठाई पहले पेज से, हमने कल ही देखा कि हम मेन आइडिया कैसे गेट करते हैं, तो हम पूरे टेक्स्ट से नहीं जाते, हम कुछ स्ट्रैटेजीज जो है वो लगते हैं। तो सेम इज द केस विद एवरी रीडिंग, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन यू स्टार्ट विद सम प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज, आप कुछ प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो अप्लाई करते हैं, फिर विद इन रीडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीडिंग यू अप्लाई सर्टन स्ट्रैटेजीज एंड इवन देयर आर पोस्ट रीडिंग स्ट्रैटेजीज। पढ़ने के बाद भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हम अडॉप्ट करते हैं ताकि जो कुछ भी हमने पढ़ा वो हम डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या आपने उसे मेमोरी में रिटेन रखना है या आपने उसका एनालिसिस करना है या आपने उसकी डिडक्शन निकालनी है। अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव यू अडॉप्ट सर्टेन पोस्ट रीडिंग स्ट्रैटेजीज टू। सो एक्टिव रीडर हमेशा सबसे पहले क्या मद्देनजर रखता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग, देन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ रीडिंग ही वुड अडॉप्ट अ सूटेबल स्ट्रैटेजी, वो एक सूटेबल स्ट्रैटेजी निकालता है, सूटेबल स्किल निकालता है, देन ही एम्प्लॉय इट ऑन दैट टेक्स्ट, उस टेक्स्ट पे एम्प्लॉय करता है। किस तरह, तीन स्टेजेस में, प्री रीडिंग, विद इन रीडिंग, पोस्ट रीडिंग। गॉट दिस, यहाँ क्लियर है रीडिंग प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव रीडिंग किस तरह की जाती है।